डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 85वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आगरा पहुंची, जहां उन्होंने 108 मेधावी छात्रों को मेडल दिए। इस दीक्षांत समारोह में सबसे अधिक 11 स्वर्ण पदक लाने वाली गोल्डन गर्ल FH मेडिकल कॉलेज की छात्रा आकांक्षा सिंह रही। पदक पाने वाले मेधावियों में 98 छात्राएं और 23 छात्र हैं। वहीं दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और मुख्य अतिथि के कुलपति आवास से समारोह स्थल पहुंचने के लिए छात्र छात्राओं ने शोभा यात्रा निकाली। खुशी हो रही है कि मुझे 11 गोल्ड मेडल मिले और मुझे गोल्डन गर्ल की उपाधि दी गई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे प्रेरणा के स्रोत मेरे माता पिता हैं, वो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहे हैं, तो मेरे को उन्हीं से ये चीज़ मिली कि मैं कड़ी मेहनत करूँ और सफलता मुझे मिली इसके लिए। दीक्षांत समारोह में छात्राएं साड़ी और छात्र धोती कुर्ता में नजर आए। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि देश में अभी भी कुपोषण सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी मुख्य वजह युवतियों का स्वस्थ न होना है। हाल ही में भीमराव विश्वविद्यालय द्वारा 650 छात्राओं का हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया गया। इसमें से 140 छात्राओं का हीमोग्लोबिन 10 से कम निकला। विश्वविद्यालय ज्ञान के मंदिर, ज्ञान के इस मंदिर को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी है। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के सपना का भारत बनाना है। भारत पहले भी विश्वगुरु था, अब फिर विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर बना है। केंद्र और राज्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी हम सबकी है। विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी इसमें कुछ ज़्यादा होनी चाहिए। बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों को सक्रिय किए जाने की लगन पैदा करनी होगी। यह काम हमारे विश्वविद्यालय अच्छी तरह से कर सकते हैं। इनके पास युवा शक्ति को दिशा दिए जाने का लक्ष्य है, जो भारत को एक स्वस्थ और सुदृढ़ राष्ट्र बनाएंगे। मुझे खुशी है कि यह विश्वविद्यालय इस दिशा में पहले से ही कार्य कर रहा है। हमें जल, जमीन, पर्यावरण की सेहत पर चर्चा की नहीं, बल्कि ठोस काम करने की आवश्यकता है। राज्यपाल आनंदीबेन ने बाल विवाह पर बोलते हुए कहा कि ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए। छात्र छात्राओं को बाल विवाह के लिए समाज में जागरूकता फैलानी होगी, साथ ही दहेज रहित विवाह के लिए भी युवक और युवतियों को आगे आना होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।